गंगा दशहरे पर किन मंत्रों का जाप करें कि स्नान करने का पूरा फल प्राप्त हो, इसकी जानकारी करने के लिए हमने शास्त्रों के जानकार पंडित श्रीधर शास्त्री से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जब श्रद्धालु हरिद्वार हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करे तो उसे मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ धन धान्य से वह परिपूर्ण हो जाता है। और क्या कुछ कहते हैं पंडित श्रीधर शास्त्री, सुनिए। जिस समय हम गंगा स्नान करते हैं तो किसी न किसी मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए, जिससे कि माँ गंगा का आशीर्वाद मिले। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमण्यवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पुण्या पुण्यजली समुद्र सहिता कुर्वन्तु वो मंगलम। ये उच्चारण करते हैं गंगा स्नान करते हुए, तो हमें सभी जो जो नदियाँ देवी का रूप हैं उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमें पुण्य प्राप्त होता है और हम पुण्य के भागी होते हैं, हमारा स्नान करना एक सार्थक हो जाता है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। गंगा माँ में हम स्नान करें, डुबकी लगाएं और भगवान राम के इन नामों का, इस श्लोक का उच्चारण करें। अर्थात इस श्लोक का उच्चारण करने से विष्णु सहस्र नाम के जो हम इसका उसका पूरा वो करते हैं, पाठ करते हैं, उसके समक्ष पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेह सन्निधिं कुरु। गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी अर्थात जहाँ जहाँ पर अमृत की वर्षा हुई थी इन स्थानों पर, तो ये सभी नदियाँ हमारी मंगल कामना करें। इनका नित्य प्रति उच्चारण करने से भी स्नान करने का फल भी प्राप्त होता है और अगर स्नान करते हुए भी इस मंत्र का उच्चारण करें तो हम पुण्य के भागी होते हैं और हमें सभी नदियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हंति सज्जन संगमे। गंगा पापम, गंगा पाप को दूर करती है, गंगा स्नान में स्नान करने से पाप दूर होते हैं। गंगा पापम शशि तापम, शशि चंद्रमा, चंद्रमा से ताप दूर होता है, हमें कोई हमारी जो गर्मी है अर्थात हमें शीतलता प्रदान होती है, गर्मी हमारे ताप दूर होकर के हमें शीतलता प्राप्त होती है। दैन्यम कल्प तरुस तथा, और जो कल्प तरु वृक्ष होता है उससे दीनता अर्थात गरीबी दूर होती है, इसीलिए पापम तापम च दैन्यम च, और पाप और ताप, पापम ताप और दैन्यम दीनता, पाप ताप और दीनता को सज्जनों की संगति दूर करती है। इसको भी हम गंगा में स्नान करते हुए इसका उच्चारण करें तो पुण्य की प्राप्ति होती है।